दोस्तों आज के तारीख में कोई भी पार्टी पंजाबी गानों के बिना अधूरी है, और खासकर पंजाबी गानों में अगर देखा जाए तो जस्सी गिल के गाने आजकल हर जगह पर छाए हुए हैं। हालांकि आप में से लगभग सारे लोग जस्सी को उनके शानदार गानों के लिए तो पहचानते होंगे, लेकिन शायद बहुत ही कम लोगों को उनकी लाइफ स्टोरी के बारे में पता हो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में भी हम जानेंगे पंजाबी गानों के स्टार सिंगर जसदीप सिंह गिल की पूरी स्टोरी कि किस तरह से अपने शुरुआती समय में खुद के टैलेंट का पता ना होने के बाद भी जस्सी ने पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में आग लगा दी। तो दोस्तों इस कहानी की शुरुआत होती है 26 नवंबर 1988 से, जब लुधियाना के एक छोटे से गांव में सरदार गुरविंदर सिंह जी के वहां जस्सी गिल का जन्म हुआ। और दोस्तों वैसे तो जस्सी गिल आज अपने स्टेज नेम से ज्यादा पहचाने जाते हैं, लेकिन उनका असल नाम जसदीप सिंह गिल है। और दोस्तों तीन बहनों के बीच जस्सी गिल सबसे छोटे हैं, और इसीलिए उन्हें शुरू से ही खूब प्यार मिला। और कहा जाता है कि बचपन से ही जस्सी खूब शरारती हुआ करते थे, साथ ही उनका पढ़ाई में मन भी बिल्कुल नहीं लगता था। हालांकि उन्होंने संत ईश्वर सिंह जी मेमोरियल पब्लिक स्कूल और करमसर ररा साहिब लुधियाना स्कूल से अपनी शुरुआती पढ़ाई की, और फिर अपने कॉलेज की पढ़ाई के लिए उन्होंने गोविंदगढ़ कॉलेज में एडमिशन ले लिया। और दोस्तों अभी तक जस्सी गिल के मन में म्यूजिक में करियर बनाने की बात कभी भी नहीं आई थी, लेकिन पढ़ाई में कमजोर होने की वजह से उन्होंने कॉलेज में प्रैक्टिकल के दो सब्जेक्ट ले लिए, पहला म्यूजिक और दूसरा फिजिकल एजुकेशन, जिससे कि वह ठीक ठाक नंबर से कैसे भी करके पास हो जाए। हालांकि कौन जानता था कि पढ़ाई से बचने के लिए लिया गया सब्जेक्ट एक दिन उनका करियर बन जाएगा, क्योंकि यही वह दौर था जब जस्सी गिल के अंदर छुपे हुए सिंगर को पहचान मिली। दरअसल जस्सी गिल एक दिन अपने म्यूजिक क्लास में बैठे हुए थे, और तभी उनके प्रोफेसर नरेंद्र धीमन उनकी क्लास में आए, और क्लास में आकर उन्होंने सभी स्टूडेंट से पूछा कि क्या किसी को अच्छी सिंगिंग आती है। तभी इस सवाल पर जस्सी गिल के एक दोस्त ने उनका नाम ले लिया, और यहाँ पर न चाहते हुए भी जस्सी को अपने टीचर के सामने गाना पड़ा। और दोस्तों यहाँ पर जस्सी के गाने का तरीका इतना शानदार था कि सभी को उनका गाना बहुत पसंद आया। हालांकि अपने सिंगिंग टैलेंट के बारे में जस्सी को अभी तक बिल्कुल ही पता नहीं था, लेकिन गाना सुनने के बाद से प्रोफेसर ने उन्हें कॉलेज के यूथ फेस्ट में गाने के लिए तैयार किया, और फिर यहीं से जस्सी गिल अगले 4 सालों तक लगातार हर बार कॉलेज के फेस्ट में हिस्सा लेते रहे। और इसी दौरान जस्सी को म्यूजिक से कब गहरा लगाव हो गया यह पता ही नहीं लगा, और अब तक वह एक बड़े सिंगर बनने का सपना देख चुके थे। और फिर अपने सपने को सच करने के लिए कॉलेज खत्म होने के बाद उन्होंने अलग अलग जगहों पर जाकर स्टेज शोज करने भी शुरू कर दिए, और फिर जल्द ही स्टेज शोज के जरिए लोकल ऑडियंस में नाम कमाने के बाद जस्सी गिल ने अपना पहला एल्बम भी रिलीज किया, जिसका नाम था बैचमेट। और इस एल्बम के ज्यादातर गाने वैसे तो फ्लॉप हो गए, लेकिन चूड़िया सॉन्ग ने जस्सी गिल को थोड़ी पहचान दिलाई। हालांकि इसके बाद भी मई 2012 में उन्होंने बिगड़े शराबीदा नाम का एक सिंगल ट्रैक भी रिलीज किया, लेकिन यह सॉन्ग भी कुछ ज्यादा इम्पैक्ट नहीं छोड़ सका। लेकिन समय के साथ जस्सी गिल ने भी लोगों के पसंद को पहचाना, और फिर 2013 में उनका वह सॉन्ग आया जो कि उन्हें पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री का स्टार बनाने वाला था। और दोस्तों यह गाना था लैंसर, जो कि बैचमैट 2 नाम के एल्बम से था। और फिर इस गाने के रिलीज होने के बाद से जस्सी गिल रातों रात पंजाबी गाने सुनने वाले लोगों के बीच फेमस हो गए, और अगर देखा जाए तो यही गाना था जो कि जस्सी गिल के जीवन का टर्निंग पॉइंट बनकर सामने आया। और फिर यहीं से जस्सी ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। और फिर बीते दिनों के साथ बापू जिमीदार, गिटार सिकदा, नखरे, गबरू, लादेन और निकले करंट की तरह ही जस्सी गिल ने बहुत सारे सुपरहिट गाने गाए। और अभी कुछ महीने पहले ही आए गाने निकले करंट को अब तक यूट्यूब पर 290 मिलियन से भी ज्यादा बार देखा जा चुका है। और दोस्तों जस्सी गिल ने अपने सिंगिंग का छाप तो हर जगह छोड़ा ही है, लेकिन साथ ही उन्होंने कई सारे पंजाबी मूवीज और एक बॉलीवुड मूवी में भी एज ए एक्टर काम किया है, और यहाँ भी उनकी एक्टिंग की खूब सराहना की गई। बहरहाल दोस्तों अंत में बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि जस्सी गिल ने जिस तरह से अपने असली टैलेंट को कॉलेज के समय में आकर पहचाना, उसी तरह अगर आपको भी आगे की मंजिल नहीं दिखाई दे रही तो फिक्र ना करें, क्योंकि अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आज नहीं तो कल वह सबके सामने आ ही जाएगा। उम्मीद करते हैं कि जस्सी गिल की यह कहानी आपको जरूर पसंद आई है। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।